नो टू ड्रग्स, से नो टू ड्रग्स, यानी ड्रग्स को अपन ऐसा अवॉइड कर रहा हूँ। उसके विषय में अगर रहने या कंडक्ट करें आप लोग आसो आए और कुछ की बात है तो रहने का इम्पॉर्टेंट इश्यू आगे रैली ऑर्गेनाइज करने का मकसद क्या है बोले तो ड्रग्स फ्री सोसाइटी। ड्रग्स से लोगों को क्या क्या नुकसान है उसके ऊपर अवेयरनेस करने के लिए आज हम अनमोल क्रॉसवर से लेके या चार चौपल तक वो रैली करें। उसके लिए आप बहुत बहुत नुकसान पहले से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बोलने के बाद ये है कि ड्रग्स की वजह से जो नुकसान है, जो छोटे छोटे बच्चे आज जो ड्रग्स के उसमें ड्रग्स जा रही गोलियाँ हो सकती, गांजा हो सकता, यहाँ तो अदरक की तरह की हर चीज़ भी हो तो खांसी की दवा वो जो है वो ड्रग्स में आती हो। तो चीज़ों में जो है यहाँ बच्चे मुबतला हो जा रहे हैं उनको आज एक अवेयरनेस के बाद ये रैली करें आप। तो ये रैली का मकसद यही है मैसेज पहुँचाने की कोशिश या ड्रग्स जो गांजा गोलियाँ ऐसा चीज़ों से बच्चों को अपन अवेयर कराना यानी जागरूक करना, सुने बाद उन लोग अपने जिंदगी को आगे बढ़ने के लिए फोकस कर सकते हैं। और क्या नुकसान आते हैं, नुकसान क्या क्या है अपनी अपने खुद पे कंट्रोल नहीं रहता, वो क्या क्या हम जरूर नहीं समझ सकता, उसके वजह से बहुत नुकसान सोसाइटी को है, सोसाइटी को भी है खुद को भी है। नशे की हालत में क्या क्या ऑफेंसेस कर रहा है आदमी है मालूम नहीं होता, एक बार ऑफेंस में आ गया जिंदगी खराब हो जाती है, केस उसमें चले जा रहे हैं। तो वो हालत से बचाने के लिए आज हम ये रैली कंडक्ट करें। ये रैली का मेन वे है से नो टू ड्रग्स, से नो ड्रग्स को अपन बिल्कुल नहीं करना, इसके लिए आज ये रैली कंडक्ट करें। तो आप सौ एक बार ड्रग्स फ्री सोसाइटी के लिए स्लोगन लगाएंगे, अपन ड्रग्स फ्री सोसाइटी के लिए स्लोगन लगाएंगे। आप सोच रहे मेरे साथ जोर से बोला ठीक है, जोर से बोलो एक बार आप, ड्रग्स फ्री सोसाइटी, ड्रग्स फ्री सोसाइटी, ड्रग्स फ्री सोसाइटी, ड्रग्स फ्री सोसाइटी। चार चौपल तक आज हम ड्रग्स अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्ट करें। ये रैली में यहाँ के मोइंबा वेरी के जो भी बड़े लोग हैं साथ हमारे साथ मजर भाई और उनके साथ उनकी टीम पार्टिसिपेट करें। इस प्रोग्राम का मेन मकसद सोसाइटी में से ड्रग्स को अवॉइड करना, ड्रग्स जैसे कि चीज़ें गांजा है गोलियाँ हैं उसमें आज जो सोसाइटी में बच्चे जो मुबतला हो रहे हैं उनको एक अवेयरनेस के तौर पर ये प्रोग्राम कंडक्ट करें और बच्चों को अवेयरनेस भी दिए कि उन लोग ड्रग्स से अपने आप को खुद को बचाना और उसके नुकसान क्या है, उससे उनकी सोसाइटी में कितना नुकसान हो सकता है उनका और उनके घर वालों का और फर्दर फ्यूचर में भी ये बच्चे उसे रिकवर होने के लिए कितना प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं, वो टॉपिक पे आज हम अनमोल क्रॉसवर्ड से लेके चाय चौपल तक एक वॉक करें। वॉक में हम जितने भी कॉलेज कवर करें उन सबको ड्रग्स फ्री सोसाइटी का मैसेज दिए। ये वॉक का मेन लोगो था सोसाइटी ड्रग्स फ्री सोसाइटी जिंदाबाद। हम यहाँ से कंटिन्यूस प्रोग्राम करेंगे और बच्चों को इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस कराएंगे। सर ये प्रोग्राम में जो मेरे साथ और मेरे सब इंस्पेक्टर राघवेंद्र और मगर भाई और दीगर लोग पार्टिसिपेट करें मैं उनका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सर ये जो गुटखे वगैरह बेचने वाले हैं उनके लिए क्या मैसेज है सर? उनके ऊपर भी हम स्पेशल एक्शन ले रहे हैं, ऐसे जो भी लोग आए जो एक बार ऑलरेडी इससे पहले केसेस में बुक हो गए हैं उनको हम मार रहे बाइंड करें बाइंड और करके हैं, अगर फिर उन्होंने फिर वही काम कर रहे हैं तो उनके ऊपर फिर सख्त से सख्त एक्शन लेंगे पीडी एक्ट में जेल में। आजकल माइनर बच्चे सिगरेट्स गुटखे वगैरह ज़्यादा खा रहे हैं सर, वही उसके लिए ये अवेयरनेस प्रोग्राम था। यहाँ से कंटिन्यूस प्रोग्राम्स हम हमारे सेक्टर्स में करते रहेंगे सेक्टर आईएसएस के थ्रू और सोसाइटी को जागरूक करेंगे, बच्चों को छोटे बच्चों को स्पेशली जो कल से स्कूल्स में भी कॉलेज में भी हम ये प्रोग्राम्स कंडक्ट करेंगे। ओके सर। स्लो स्लो चलो